सुरेंद्र पवार पर जो रेड की गई है और जो उसकी गिरफ्तारी की गई है, ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। सुरेंद्र पवार एक समाज सेवी विधायक है जिसने लगातार सोनीपत शहर में समाज सेवा की और उस समाज सेवा के आधार पर कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़कर वो विधायक बने। उनको इस प्रकार से गिरफ्तार करना सरासर गलत है और हारी हुई भाजपा की तानाशाही को दर्शाता है। देखिए, इस सरकार यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, ये एक झूठा जाल है। इनके पास ना बहुमत है ना विधायक हैं, ये आखिरी पायदान पर सरकार खड़ी है। मैं हरियाणा के लोगों को केवल ये कहूँगा, एक धक्का और दे दीजिएगा, उसके बाद तरक्की और विकास की नई गंगा बही। दाढ़ में तो दाल डालने के बजाय नून डाले बहू और कसूर सासू का, मेरे साथ तो ये करने लग रहे हैं नायब है जी। बहुओं को तो रुसवा मत देना, पर बात खरी कही है। बेवकूफियां गलती जानबूझकर भर्ती स्टे हो जाए ताकि नौकरी ना देना पड़े, ये खट्टर साहब का भी तरीका था, ये नायब सिंह का भी तरीका है। वो किसी को नौकरी लगाना ही नहीं चाहते।